हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, अभी आप ये बोल रहे होगे कि ये क्या दिखा रहे हैं, तो एक्चुअली आज कोई टॉपिक पे डिस्कस करने का मन नहीं है मेरा, थोड़ा थकान सा हुआ है। तो काफ़ी लोग ब्लॉग बनाते हैं, तो मैं भी सोचा आज मैं भी एक ब्लॉग करता हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आएगा। वैसे ये कोई देखना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बना रहा हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो एक्चुअली इस ब्लॉग में मैं आपको क्या दिखाने वाले बता देता हूँ। तो मैं अभी ये दिखाने वाला हूँ हम कहाँ रहते हैं। अभी LNT में जॉब करता हूँ, तो जो भी हमारा गेस्ट हाउस है, कैसा रहने का कैसा सिस्टम है, किस तरह की फैसिलिटी दी गई है, ये सब दिखाऊंगा मैं भी आपको। तो ये देख लीजिए, आपको ये बिल्डिंग दिखा है। तो ये बिल्डिंग है जिसमें हम लोग रहते हैं, और बगल में यहाँ एक पेट्रोल पम्प भी है। तो ये MP में है, यहाँ पर गाय रोड पर ऐसे घूमती रहती है, देखिए काफ़ी सारे गाय। तो चलिए मैं अभी आपको अंदर ले चलता हूँ। एक्चुअली मेरे को ब्लॉग बनाने आता नहीं, इसलिए कैमरा हिल रहा होगा ज़्यादा, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। तो ये देख लीजिए, ST बिहार लिखा हुआ है। यहाँ पे गाय बहुत ज़्यादा है, देखिए इधर भी किनारे में भी गाय खड़ी है। ये सब टिफिन पड़ा हुआ है जो हम लोग खाने के लिए यूज़ करते हैं, अभी आया हुआ है। तो कुक आएगा, ले जाएगा, फिर इसको वॉश करेगा। तो ये देख लीजिए, हमारा एंट्री गेट है। तो ये अंदर का सीन है, एक्चुअली ये 2 फ्लोर का है। तो अभी ये मेरा रूम है, देख लीजिए, यहाँ पे रूम नंबर 3 है। तो अभी चलते हैं अंदर। तो ये अंधेरा हुआ, लाइट जला लेते हैं। तो ये देखिए, ये छोटा सा रूम है जिसमें हम अभी रहते हैं। इधर में एक कूलर भी दिया हुआ है। ये अपना एक छोटा सा बेड है, और ये एक अलमीरा दिया हुआ है। एक्चुअली आज मैं साइड से डायरेक्ट रूम में आ गया, इसलिए मैं हेलमेट जैकेट भी लेते हैं साथ में, नहीं तो ये ऑफिस में ही रखता हूँ मैं। अभी आज जल्दी आया हूँ साइड से भी, इसलिए मैं लेते आया, ऑफिस गया नहीं। और दिन में 2 बार साइड जाना होता है, तो सुबह गया था, फिर लंच में आया, फिर शाम को गया तो आया नहीं। तो ये अपना ये लैपटॉप आप तो देखे ही होंगे काफ़ी बार। ये सब छोटा सा रूम है, इधर में आपका बाथरूम टॉयलेट ये सब है। और ये एक छोटा सा स्टोर समझ लीजिए, इसमें जो भी आपके जूते वगैरह हैं, डस्टबिन वगैरह रखा हुआ है यहाँ पे। एक्चुअली इधर भी लाइट हो गया, इधर का शायद बल्ब फ्यूज हो गया है, ठीक है। और ये बगल वाला जो रूम है, ये क्वालिटी इंजीनियर का है, ये मेरा फ्रेंड ही है। मैं जितने भी वीडियोज अपलोड करता हूँ, एडिट करता हूँ, ये इसी रूम में करता हूँ, क्योंकि वो जो फ्रंट रूम है वहाँ से आवाज़ काफ़ी आता है बाहर से, और बाहर वहाँ पर सीढ़ी है ऊपर में, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। तो मैं एडिट यहीं से करता हूँ, यहाँ बैठ के आराम से, क्योंकि इसमें काफ़ी साइलेंट रहता है, कोई आवाज़ नहीं आता है बाहर से। तो अभी मैं आपको ऊपर ले चलूँगा, दिखाता हूँ खाने का क्या सिस्टम है। तो ये तो मेरा रूम हो गया, अभी चलते हैं ऊपर। तो ये सीढ़ी है, आते जाते रहते हैं तो लोग काफ़ी आवाज़ आता है, इसलिए मैं यहाँ शूट नहीं करता हूँ। मैंने कभी ब्लॉग बनाया नहीं, आप लोग भी बोल रहे हो अगर टाइम पास कर रहे हैं। ये बाकी सारे रूम्स हैं। ये बाहर में अपना छत है, इधर में एक वॉशिंग मशीन है, यहीं से आप कपड़े धो सकते हैं। ये यहाँ का किचन, अंधेरा दिख रहा है, यहीं पे सारे लोग बैठ के खाना खाते हैं। इधर में TV भी लगा हुआ है।
ये देख लीजिए मेनू लगा हुआ है जो खाने का बिल आता है, ऐसे ये दिख नहीं रहा, अंधेरा है छोड़िए। तो यही है जो अपना सिंपल सा है, कोई खास नहीं है। सबका अपना पर्सनल पर्सनल रूम है, एक रूम में एक ही लोग रहते हैं। ये यहाँ ऊपर से देख लीजिए बाहर का नज़ारा, वैसे आज जन्माष्टमी भी है तो कहीं डीजे वगैरह बज रहा होगा, आवाज़ आ रहा थोड़ा थोड़ा। यहाँ सबसे ज़्यादा आपको गाय देखने को मिलेंगे रोड पे ही, ऐसे पता नहीं रोड पे क्यों खड़े रहते हैं, जहाँ तक आगे जाइए कि गाय मिलेगा। चलिए अभी मैं चलता हूँ फिर वापस से अपने रूम में। तो यही है सिंपल सा अपना जो भी है, तो अभी कुछ और दिखाने को है नहीं। और मैं आपको ये बुक दिखा देता हूँ जो मैंने अभी बुक मंगाया था, आप सभी को दिखाया होगा किधर रख दिया। यही बुक था जो मैंने मंगाया था, आप लोग इसके बारे में काफ़ी पूछे भी थे। वैसे सही बुक है, कभी कभी मैं पढ़ता हूँ रात को, ज़्यादा मैंने अभी पढ़ा नहीं इसे, पढ़ूँगा थोड़ा थोड़ा करके। ओके तो अभी वीडियो बंद करते हैं, आप बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। वैसे ये पहला ब्लॉग होगा अपना जो भी मैं अपलोड करने वाला हूँ।